नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने विश्वास और रिश्तों के धागों की धज्जियां उड़ा दी है। साथ में बैठकर जाम छलकाने वाला दोस्त ही दोस्त का कातिल बन गया, वो भी महज 1500 रुपए के लिए। देखिए रिपोर्ट। पहले साथ में छलकाया जाम, फिर ले ली दोस्त की जान। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस दोस्त के कातिल पर ये सभी बातें पूरी तरह से लागू होती हैं। पुलिस की कस्टडी में खड़ा महेंद्र नाम का यह शख्स हत्यारा है, अपने उस दोस्त का जिसके साथ बैठकर ये जाम छलकाता था, साथ में शराब पीता था और पैसों का लेन देन भी करता था। यही सारी चीजें 20 जुलाई की रात भी हुई, जब महेंद्र अपने दोस्त अवधेश के साथ मिलकर शराब पी रहा था। इसी दौरान दोनों दोस्तों में पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी हो गई और महज 1500 रुपए के लिए महेंद्र नाम का ये शख्स अपने दोस्त अवधेश का हत्यारा बन गया। जाम छलकाते छलकाते दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए और महेंद्र ने तकिए से गला दबाकर अवधेश की जान ले ली। दिनांक 20/7/2022 को सिरोल से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति फर्श पे बेहोश हालत में पड़ा है, जिसके संबंध में पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंची तो वहां पे उस व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। 21 तारीख को उसके चचेरे भाई ने उसकी पहचान अवधेश 27 साल के रूप में की और उसकी लिखित शिकायत पे हमने 302 के तहत केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करना शुरू किया और इसमें जो शामिल व्यक्ति था महेंद्र उर्फ छोटू जो 30 साल का है और ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला था, ये मर्डर करके वहीं भाग गया था, तो वहां जाके हमारी टीम ने इसको गिरफ्तार किया। और दोस्त का हत्यारा महेंद्र उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और वारदात को अंजाम देकर वहीं भाग गया था, लेकिन मामले की जानकारी मिलने के बाद से ही जांच में जुटी गुरुग्राम पुलिस को ज्यादा दिनों तक चकमा नहीं दे पाया और पुलिस ने लखीमपुर खीरी से ही इसे गिरफ्तार कर लिया और फिर गुरुग्राम लेकर आई। गुरुग्राम पुलिस ने अवधेश के हत्यारे महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन कानूनी और आपराधिक पहलू से अलग हटकर देखें तो ऐसे मामले समाज में विश्वास की बुनियाद को लगातार खोखला कर रहे हैं। दोस्ती के लिए जान देने वाले लोगों के देश और प्रदेश में जब दोस्त ही दोस्त की जान लेने लगे तो फिर समाज में कैसे लोग एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे? ऐसे में क्या अब दोस्ती और मित्रता नाम के शब्द भी महज औपचारिकता तक ही सीमित होकर रह जाएंगे? हर खबर के लिए गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश ने बिजली के क्षेत्र में पिछले 7 साल में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब प्रदेश में बिजली सरप्लस है, वहीं गुरुग्राम में रोजाना लोगों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है और नए सब स्टेशन स्थापित किए जाने के साथ साथ बिजली की नई लाइनें भी बिछ गई हैं। इतना ही नहीं, बिजली निगम की तरफ से लाइन लॉस को भी कम करके बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है। इसी संबंध में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों ने भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से बिजली क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया। आजादी की अमृत महोत्सव सीरीज के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव मनाया गया है। इसमें इंडिया है 2047 के विजन से कि हर घर में 2047 तक
रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेविंग और जो आपूर्ति है 24 घंटे की, वो हमारा एक विजन होगा जो देश प्राप्त करेगा, उसको सेलिब्रेट किया गया। और अब तक जो आज़ादी से लेकर अब तक जो हमने अचीवमेंट किया है उसको भी हाईलाइट किया गया। हम पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमने 15 अगस्त 2017 से ही ग्रामीण क्षेत्र को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी थी। ये आपकी बात ठीक है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवर हेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी प्रदेश जब बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो उसमें बिजली की बहुत ज़्यादा लाइनें डालनी होती हैं। हमारे गुड़गांव की जो ग्रोथ है वो NCR में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। इसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर अवेलेबल राइट ऑफ वे में ओवर हेड लाइनें डालनी पड़ी है। हमारे उज्ज्वल भारत योजना जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न है और जो पूरा हो रहा है, तो आज उसकी जो आने वाली 47वें उसमें वर्ष में जो हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारा 1975 का, तो उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखे गए हैं जो कि हमारे शहरों में किस तरीके से बिजली का बढ़ता जा रहा है हर चीज़ का, तो जिसकी आने से मतलब हर गांवों में बिजली पहुंच रही है जहां पे आज तक कहीं बिजली नहीं पहुँच रही थी। वहीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कारगिल के शहीदों को याद करते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि इस विजय के नायकों के शौर्य, त्याग और बलिदान की गौरवगाथा भारतीयों को आजीवन राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में होमगार्ड्स एवं सिविल डिफेंस विभाग के ऑनलाइन ड्यूटी रोस्टर सिस्टम का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के शुरू होने से होमगार्ड के स्वयंसेवकों को ऑनलाइन तरीके से ड्यूटी पर भेजा जा सकेगा। गृहमंत्री ने होमगार्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि होमगार्ड के स्वयंसेवकों का सेवा रिकॉर्ड, ड्यूटी रिकॉर्ड इत्यादि का जो भी रिकॉर्ड है उसे जल्द से जल्द डिजिटल किया जाए। इस समय होमगार्ड के लगभग 12,000 स्वयंसेवक हैं और ड्यूटी में ऑनलाइन सिस्टम आने से पक्षपात और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकेगी और इस सिस्टम से ड्यूटी आवंटन और रोस्टर रोटेशन में पारदर्शिता आएगी। ऑनलाइन सिस्टम के आरंभ होने से ड्यूटी आवंटन में देरी को समाप्त किया जा सकेगा। वहीं गृहमंत्री अनिल विज ने यह भी बताया कि होमगार्ड के स्वयंसेवकों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिए विभिन्न स्तरों पर बातचीत की जा रही है ताकि होमगार्ड के स्वयंसेवकों को भी पुलिस कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिल सकें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में एजेंसियों का इस्तेमाल करके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है, जिसके लेकर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, उससे पहले आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को बुला करके बार बार जो एक प्रताड़ित करने का, जो एक अपमानित करने का जो प्रयास कर रही है, उसको खिलाफ तमाम हिंदुस्तान के अंदर आज हमारा प्रदेश कांग्रेस के सभी मुख्यालयों पर आज सत्याग्रह चल रहा है। वहीं इनसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 अगस्त के विषय पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को इनसो का 20वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा और इसे राजघोष के रूप में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम इस बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के हजारों युवा भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनसो का ये जो भी पर्व है ये बड़े ही धूमधाम से त्योहार की तरह मनाया जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक जननायक जनता पार्टी की जो छात्र इकाई, जिसको सबसे छोटी इकाई युवा इकाई कहते हैं, इनसो, वो अपना 20वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्व जो है, इसको बड़े धूमधाम से त्योहार की तरह हर वर्ष किसी ना किसी जगह हम मनाते हैं। इस बार हमारे संगठन ने यह फैसला लिया, क्योंकि हम समय समय पर इसके विस्तार की चर्चा करते थे, मगर कोविड काल कर करके पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम कहीं और नहीं हो पाया, इसीलिए इस साल जो है इसको राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने का फैसला। हरियाणा प्रदेश में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में इनेलो प्रदर्शन करने जा रही है। यह प्रदर्शन 5 अगस्त को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर ऐसे बुजुर्गों को साथ में लेकर किए जाएंगे जिनकी पेंशन सरकार ने काट दी है। यह कहना है इनेलो नेता अभय चौटाला का। अभय चौटाला बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार और सरकार के सहयोगी उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला का कहना था कि सरकार में सबसे ज्यादा माल दुष्यंत चौटाला ने कमाया है। दुष्यंत ने पैसा खाकर चौधरी देवीलाल के नाम को कलंकित करने का काम किया है। फरीदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया और उसने वहां स्टेटमेंट दी कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सह नहीं करेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आज की तारीख में आप रिक्शा वाले से जाके पूछ लो, आप किसी दफ्तर के चपरासी से पूछ लो, किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी सामाजिक संगठन के आदमी से पूछ लो, किसी राजनीतिक दल के आदमी चाहे बीजेपी जेजेपी वाले से पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि सबसे ज्यादा माल अगर किसी ने कमाया तो उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत चौटाला है, जिसने चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो गिरवी रख दिया और पैसा खा करके उनके नाम को भी कलंकित करने का काम किया। हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है, और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई है एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजेंगे। उनसे कहेंगे कि ये सम्मान पेंशन जो है किसी की आय नहीं देखी गई थी, इसमें ये पेंशन जो बनाई गई थी उसमें केवल उम्र देखी गई थी, जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो उसे पेंशन के रूप में 100 रुपये महाभार चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, और वो पेंशन अगर आप उसको काटते हो तो फिर हमें उन बुजुर्गों को साथ लेकर के आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा गया था, बुजुर्गों की पेंशन अगर फिर से बहाल नहीं की गई, फिर से जिनकी काटी हुई पेंशन पूरी जितने दिन से कटी है उस दिन से लेकर के अब तक की नहीं दी गई, तो उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वहीं प्रदेश के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चंडीगढ़ में जिला कल्याण अधिकारियों, जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति एवं विकास निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर काम कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके और समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने कहा कि दादरी कैथल समेत कई जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सराहनीय कार्य किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जिला के जन अधिकारियों की उपलब्धि 75% से कम होगी, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसलिए अधिकारी सरकार की तरफ से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करें। उन्होंने कहा कि 50% से कम प्रगति वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिलों के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों का दौरा कर योजनाओं को गति प्रदान करवाए और हर महीने प्रगति रिपोर्ट भेजे। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 मूर्थल थाना क्षेत्र में जब कई परिवार पिकअप से सवार होकर अपने घर यूपी जा रहे थे, तब उनकी गाड़ी हाईवे पर खड़े कैंटर से टकरा गई, जिसमें 11 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सरकारी अस्पताल में प्रथम उपचार के दौरान पीजीआई रोहतक और खानपुर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई, वहीं फिलहाल कैंटर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामले की केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फोटो ले वहीं सोनीपत के सिविल लाइन थाने के लाल दरवाजा क्षेत्र में 3 नाबालिग चोरों ने एक ही रात में 7 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर चोरी करके सामान को एक बंद मकान में इकट्ठा करते गए। वहीं एक महिला और उसकी बेटी ने डंडों के बल पर एक चोर को पड़ोसी के घर में दबोच लिया और आसपास के लोगों की मदद से उनको पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। लेकिन मौके पर पहुंची ओल्ड सिटी चौकी पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई करने और चोरों को गिरफ्तार करने के बजाय लोगों के सामान वापस देकर उन्हें मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में तीनों चोरों के पास से 17 मोबाइल, करीब 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई, जिनमें से लोगों ने अपने सामान की पहचान की और उन्हें ले लिया। चोरी करने वाले में से एक नाबालिग गांव हुल्लाहेड़ी का और 2 गीता भवन चौक के पास स्थित मस्जिद के पास के रहने वाले हैं। पुलिस ने लोगों को समझाया कि चोर नाबालिग हैं और उनको ज्यादा सजा नहीं होगी, ऐसे में यही अच्छा रहेगा कि आप अपना सामान ले लें, क्योंकि अगर केस दर्ज होता है तो आपका सामान चौकी में जमा हो जाएगा, जिससे आपको परेशानी होगी। लेकिन पूरे मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। जैसे हम माँ बेटी सो रहे थे, यो बेटा भी सो रहा था, तो यो कहने लगी लड़की वो घनियान का घूम रहा था। अब कि मन्नन सोचा है कि यो भाई अपना फोन लगा रहा है चार्जर में, तो इसने इसके धोरे थे एकदम फोन उठाया ना, इसने एकदम मेरे तक आया, मम्मी मेरा फोन उठा लिया। फिर मैं छत पर गई बाजी, तो छत पर उधर दड़ की आवाज़ सुनी, मैं बोली मैं कहा चाल ले तू कि चाल लगा, मैं कहा भाज ले तू कि चाल लगा। फिर मैं छत पर गई एकदम दिखा वो खाली घर है। वो रात को यहाँ से हमारी छत से आ गए पड़ोसियों की छत से, और मैं पढ़ के जैसे सो गई थी, कल जल्दी सो गई थी, व्रत करना था ना, इसीलिए सोचा कि सुबह जल्दी उठना है, तो इसीलिए तो जल्दी सो गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि वो मतलब पता नहीं, ऊपर से मैं ब्रश वरश करके आई ना जैसे कि सोने के लिए, तो उनको लगा कि वो भी सो गई। तो वो पहले मेरे दूसरे वाले कमरे में गए जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, वहाँ पे लाइट ऑन थी, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कुछ मिला नहीं, बुक वगैरह रखी है मेरी, तो वो हमारे इधर आए। फिर उन्होंने देखा यहाँ से पहले लैपटॉप उठा के रखा मशीन के वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाए हमारे और अलमारी में से ज्वेलरी वगैरह उठाई सारी। आपके घर के कितने कितने मोबाइल थे? 4 मोबाइल थे। सोनीपत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को खाद्य आपूर्ति विभाग की मनमानी के चलते गरीब लोगों तक समय से अनाज मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस योजना के चलते गरीब और असमर्थ लोग सरकार की ओर से मिलने वाले अनाज पर निर्भर रहते हैं, इससे इन परिवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग सरकार द्वारा राशन भेजने का इंतजार कर रहे हैं और प्रदेश की सरकार द्वारा सुचारू रूप से समय अवधि में राशन भेज दिया जाता है। लेकिन सोनीपत के खाद्य आपूर्ति विभाग की लचर और लापरवाही वाली व्यवस्था के चलते लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ अच्छे से नहीं मिल पा रहा है।
25 तारीख बीत जाने के बाद भी लोगों को डिपो होल्डर से राशन नहीं मिला है। नियम यह कहता है कि 10 से 15 तारीख तक के बीच में प्रत्येक डिपो से राशन मिल जाना चाहिए, लेकिन इस बार लापरवाही के चलते गरीब लोगों को राशन नहीं मिला, जिसको लेकर उनका कहना है कि वे राशन उन्हें समय से मिलना चाहिए ताकि वो ठीक से अपनी दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकें। बोलना है अब की बार ये 25 तारीख होगी और अनाज नहीं आया कोठे पे, और हम गरीब आदमी बेरोजगार हूँ और मैं कोठे के अनाज से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ अपना। अब की बार नहीं आया, कई बार लेट होता रहता। भाई भाई यो परेशानी है, हमने खाने की दिक्कत है, मेरा तो कुमाया नहीं, कुछ माया नहीं, आपको भी मैं परेशानी है, जाने तक भी नहीं मिलते हमने, इतना लेट ना जावे है, राशन लेट आवे है, कीड़े और सुरसी सब कुछ में वो हुए है, है कैसे खावे, गीला आवे है। दीपू पावा है, यो दीपू वाला क्या करे, जी आगे तो आवेगा, जी बता देवेगा, खाली चले जावा, बताओ। बादली में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां खंभे में करंट उतर आने से एक भैंस की मौत हो गई। भैंस की मौत होने से पशुपालक का लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि पशुपालक हवा सिंह दूध बेचकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। पशुपालक हवा सिंह ने बताया कि करंट से भैंस की मौत होने के बाद बिजली विभाग को लाइन काटने के लिए फोन किया गया, लेकिन बिजली कर्मचारियों ने फोन नहीं उठाया। वहीं बाद में पुलिस के कहने पर बिजली विभाग ने बिजली लाइन को काटा। भैंस की मौत का जिम्मेदार ग्रामीण बिजली विभाग को ठहरा रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खोल दी थी भैंस, खोल दी है उरे न करी ना भैंस, पर इन्हें खींच ली करंट में, बेल एकदम बगानी पड़ी, झटका ला गया, फिर वह छोड़ दी तो रुके मारे बाजियो रे बाजियो, देखा तो भैंस पकड़ रखी है बिजली ने, छुटाने ताई दौर जान ताई मौका नहीं मिल जाएगा भाई, आला हर है हमने भी मार। वहीं झज्जर के खेड़ी खुमार गांव में बने रेलवे अंडरपास में रोजाना नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। नशा तस्कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर नशा बेचने आते हैं और आसपास के युवा नशे में पूरा दिन डूबे रहते हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस तरह की हरकतों से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अब तक पुलिस में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पास लड़की दारू पीते हैं, लड़की लेते हैं, अवैध काम करते हैं, और 24 घंटा मतलब उनका कोई टाइम नहीं होता, 24 घंटा का पूरा काम होता है। कितने टाइम से? और हम धमकाते हैं तो जब से ये फ्लाई ओवर बने जब से चल रहा है ये। खबर फरीदाबाद से है, जहां सावन के पावन महीने में हिंदुओं के पवित्र कांवड़ यात्रा का समापन हो गया, और लेकिन कांवड़िए और भक्तों के लिए सबसे भयावह पल वो रहा जब उन्होंने सीवर के बीच के पानी से गुजरकर शिव मंदिरों में जल गिराई। वहीं ग्रामीणों ने रोष जताया और सभी ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसी गंदे पानी में बैठकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। मेट्रो सिटी में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।